लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 संसदीय सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। देश भर में 58.82% औसत मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर छिटपुट झड़पों के बावजूद सबसे अधिक 78.19% और जम्मू और कश्मीर में सबसे कम 51.41% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा के साथ साथ आज ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 59.72% औसत मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 52.80%, हरियाणा में 58.14%, जम्मू और कश्मीर में 51.41%, झारखंड में 62.16%, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 54.32%, ओडिशा में 59.72%, उत्तर प्रदेश में 54.02% और पश्चिम बंगाल में 78.19% मतदान हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज कुल 54.32% मतदान हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर सबसे अधिक 58.30% वोट डाले गए। इसके बाद पश्चिमी दिल्ली सीट पर 54.90%, पूर्वी दिल्ली 54.37%, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर 53.81%, चांदनी चौक सीट पर 53.27%, दक्षिणी दिल्ली सीट पर 52.83% और नई दिल्ली सीट पर 51.54% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 58 संसदीय सीटों में 49 सामान्य, 2 ST और 7 SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्यवार उम्मीदवारों की बात करें तो इस चरण में बिहार की 8 सीटों के लिए 86, हरियाणा की 10 के लिए 223, जम्मू कश्मीर की 1 के लिए 20, झारखंड की 4 सीटों के लिए 93, दिल्ली की 7 सीटों के लिए 162, ओडिशा की 6 सीटों के लिए 64, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए 162 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के लिए 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत आज EVM में कैद हो गई। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली एवं दक्षिणी दिल्ली, हरियाणा की सभी 10 सीटों अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों तमलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर, झारखंड की 4 सीटों गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, बिहार की 8 सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, SC, सीवान एवं महाराजगंज, जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग, राजौरी और ओडिशा की 6 सीटों भुवनेश्वर, पुरी, ढेंकनाल, क्योंझर, SC, कटक और संबलपुर पर मतदान संपन्न हो गया।